गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे 11th क्लास में अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5th। और चैप्टर नंबर 5th में दोस्तों, पिछले वीडियो में लास्ट हमने फल के ऊपर चर्चा की थी, है ना। उस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के बीजान्यास और जो एस्टिवेशन है, दल विन्यास है, उसके बारे में हमने अच्छे से देखा था, ठीक है दोस्तों। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं हम अपना टॉपिक ले रहे हैं बीज, यानी कि सीड। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? सीड। तो दोस्तों देखिए, एक जो बीज है यानी कि जो सीड है ना, ये जो है वो आपके बीजांड जो भाग है ना, तो बीजांड निषेचन के बाद बीज में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। एक जो बीजांड है यानी कि ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल निषेचन के बाद में आपके बीज में बदल जाता है, ठीक है। अब कैसे बदलता है दोस्तों, ये तो डिटेल से आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी इतना आप समझ लीजिए कि निषेचन के बाद में, देखिए एक जो बीजांड है ना, तो बीजांड के बारे में अगर थोड़ा हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से, तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड या ओव्यूल कहते हैं, क्लियर। अब ये बीजांड या ओव्यूल जो है, इसके कई सारे भाग हैं। एक बार आपको थोड़ा फास्टली बता देता हूं, वैसे डिटेल से अपन जो है वो 12th में देखेंगे कि देखिए इसका ये जो भाग है, इस भाग को कहते हैं दोस्तों प्रतिमुखी कोशिका। Then, ये जो भाग है इसको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ठीक। ये जो है इसको कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। एंड ये जो सेल है इसको कहा जाता है दोस्तों अंड कोशिका। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। और कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर है, इसको दोस्तों कहा जाता है भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक। अब दोस्तों ये बनती कैसे है, क्या है इसकी कंप्लीट डिटेल से जो प्रोसीजर है वो हम 12th में देखेंगे। फिलहाल अपने इतना ही समझते हैं कि अंडाशय है ना, इसके चारों ओर की स्ट्रक्चर कौन सी दोस्तों? इसके चारों ओर की जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से, ये आपके अंडाशय की स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ये क्या है दोस्तों? ये है आपके अंडाशय। तो एक जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर का जो भाग है उसको दोस्तों कहते हैं बीजांड। और बीजांड में इस तरीके की संरचना होती है, जिसमें ये जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका दोस्तों आपके आगे क्या बनाता है? ये अंड कोशिका आपके आगे दोस्तों बनाता है भ्रूण, है ना। और उसी भ्रूण को हम आगे चल करके, है ना, इसी भ्रूण को हम दोस्तों आगे चल करके कहते हैं बीज, यानी कि सीड, राइट। तो अभी हम इससे केवल इतना ही समझते हैं कि एक जो बीजांड है यानी कि ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल निषेचन के बाद में दोस्तों आपके बीज बनाता है। अब बात आती है कि सर निषेचन, तो देखिए बेटा, जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका नर युग्मक यानी कि पराग कण है ना, आप एक बार पराग कण समझ लीजिए ना, पराग कण जो आगे नर युग्मक में बदल जाता है, उसके साथ मिल करके आपके निषेचन करता है, जिसमें भ्रूण या बीज का निर्माण होता है। तो इसको तो कहते हैं दोस्तों आपके बीज, क्लियर। अब जो बीज है दोस्तों,
बीज जो है ये आपके दो प्रकार से होता है, बीज दोस्तों आपके दो प्रकार से होता है। तो पहले उसकी बात करें, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों बीज के प्रकार, बीज के प्रकार। दोस्तों बीज के जो प्रकार है उसका निर्धारण किया जाता है, एक संरचना होती है ना, बीज के निर्माण के दौरान या यूं को विकास के दौरान एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहते हैं दोस्तों उसको कहा जाता है भ्रूणपोष, यानी कि एंडोस्पर्म। ठीक है, तो उसके आधार पर बीजों को बांटा गया है। तो दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म है ना, तो भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बीज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो बीज है वो आपके दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि सर ये भ्रूणपोष क्या है, तो आप एक और इतना ही समझ लीजिए इसको कि बीज के निर्माण की जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना, तो उस समय एक स्ट्रक्चर बनती है और उस स्ट्रक्चर को इधर देखिए, ये देखिए ये जो कोशिका है ना, ध्रुवीय कोशिका, तो दोस्तों ये जो ध्रुवीय कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका ही आगे जाकर के भ्रूणपोष बनाती है। क्या बनाती है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनाती है। तो अब एक बार आप शब्द पर गौर कीजिए, भ्रूणपोष और ये क्या है, भ्रूणकोश, तो ये तो अलग स्ट्रक्चर ध्यान रखना, जो कि आगे किसमें चेंज जाएगा, ये भ्रूण और बीज में बदल जाएगा। तो ये वो संरचना है दोस्तों, देखिए इसको मैं तोड़ करके बताता हूं आपको, भ्रूण प्लस पोष अर्थात भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना है ना दोस्तों, भ्रूण को पोषण देने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को आपके भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए, बाकी कैसे बनते हैं, क्या बनता है, वो हम 12th में पूरा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, बीज के जो प्रकार है वो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म की जो उपस्थिति है या अनुपस्थिति के आधार पर बीजों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट बात करें तो उसको बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज और सेकंड जो होता है अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है दोस्तों, क्या होता है भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज, यानी किसको कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, इसको कहा जाता है दोस्तों एंडोस्पर्मिक सीड, और इसको कहा जाता है दोस्तों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर, तो अब नाम से आप समझ गए होंगे है ना। तो इनका एक नाम और है, इनको दोस्तों एल्ब्यूमिन युक्त बीज, और इसको एल्ब्यूमिन रहित है ना, एल्ब्यूमिन रहित बीज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रहित बीज भी कहते हैं, राइट। अगर देखिए एंडोस्पर्म है
तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड्स यानी कि एल्बुमिन युक्त बीज कहते हैं, और यदि एंडोस्पर्म नहीं है तो इसको नॉन एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिन रही सीड भी कहते हैं। चलो बात करते हैं। तो देखिए, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण पोष शेष रहता है या शेष रह जाता है उसे भ्रूण पोषी बीज कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो वो होता है आपकी एक बीज पत्री बीज यानी कि मोनोकॉट जो सीड है वो। इसमें बात करें दोस्तों, तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूण पोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है अर्थात भ्रूण पोष अर्थात भ्रूण पोष शेष नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, पर इसमें उदाहरण की बात करें तो इसमें आपके द्विबीजपत्री बीज यानी कि डाइकॉट जो सीड है वो आपके इस तरीके से पाए जाते हैं। अब बात आती है कि सर ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज क्या है। तो दोस्तों, बीजों के विकास के दौरान इनके अंदर बीज पत्र बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? बीज पत्र बनते हैं। तो अगर इन बीज पत्रों की संख्या आपके एक हो तो इनको एक बीज पत्री यानी कि मोनोकॉट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं मोनोकॉट कहते हैं। और यदि इन बीज पत्रों की संख्या आपके दो बने तो दोस्तों उनको द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाइकॉट या द्विबीजपत्री कहते हैं शॉर्टकट में ना। वैसे तो पूरा नाम होता है मोनोकोटिलेडॉन्स, इसका होता है डाइकोटिलेडॉन्स, और जिनको हम शॉर्टकट में है ना, शॉर्ट में इसको मोनोकॉट और इसको डाइकॉट कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम एक डाइकॉट जो सीड है उसके ऊपर बात करें, है ना। पहले हम दोस्तों एक जो द्विबीजपत्री जो बीज है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने चना या छोला है उसको अच्छे से देखा हुआ होगा, है ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे बीज देखिए, इनको पहचान करना बड़ा आसान है। ऐसे बीज इनके बराबर दो टुकड़े बन जाए, है ना, अगर इनको हम तोड़े और दो बराबर कोटिलेडॉन्स अलग अलग हो जाए, जैसे चना, छोला, मटर, मूंगफली, है ना, तो उन सभी को दोस्तों डाइकोटिलेडॉन्स या द्विबीजपत्री बीज कहते हैं, है ना। और शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में दोस्तों उसको कहते हैं डाइकॉट। क्या कहते हैं? शॉर्ट में इनको कहा जाता है डाइकॉट सीड यानी कि द्विबीजपत्री सीड। तो दोस्तों, ऐसे जो बीज होंगे उनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, छोला बेस्ट एग्जांपल होगा, मटर या चना या छोला, उसके ऊपर देखिए दोस्तों छोटा सा छेद आपको दिखाई देगा, गौर करना घर पर। तो इस छिद्र को कहा जाता है दोस्तों माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, है ना, बीजांड द्वार कहा जाता है। बट एग्जैक्ट इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बीज द्वार, है ना, इसको आप बीज द्वार भी कह सकते हो, बीज द्वार। अब यह है क्या? देखिए दोस्तों, आपने अंकुरित चने देखे होंगे, या यूं कहूं कि किसी भी बीज से जड़ का निकलना आपने देखा होगा इस तरीके से। देखिए, मान लीजिए बीज है और इसमें से कुछ जड़ की तरह स्ट्रक्चर निकली देखी होगी, तो जड़ या तना जिस छिद्र से बाहर निकलता है ना, जैसे एक तो ये हो गया इस तरीके से ऊपर निकल गया परो,
तो दोस्तों उस छिद्र को बीज द्वार या बीजांड द्वार भी कहते हैं। पहले इसका नाम होता है बीजांड द्वार, जो कि जिसको आप बीज द्वार भी कह सकते हैं। एंड देन एक और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं आपके हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। उसके अलावा छिलका जो होता है ना, मटर समझ लीजिए या फिर चना है ना, तो उसके ऊपर का जो छिलका है उन छिलकों को कहते हैं सीड कोट या बीजावरण। क्या कहते हैं? बीजावरण। बीजावरण क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं बीजावरण, यानी कि सीड कोट। क्लियर? अब इसको जब अपन ऐसे खोल करके देखें, तोड़े, तो दोस्तों ध्यान रखना इसके बकायदा दो टुकड़े बन जाते हैं, है ना, इस तरीके से टू हाफ बन जाते हैं। तो इनको कहते हैं दोस्तों कॉटिलेडॉन्स, यानी कि बीज पत्र। बीज पत्र यानी कि कॉटिलेडॉन्स। तो दोस्तों इन्हीं बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है, एक द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री, है ना। तो द्वि का मतलब है दो, एक और ये दूसरा, राइट। अभी जैसे हमने ड्रॉ किया है कि बीज से, है ना, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका जैसे बीज है ना, तो बीज के अंकुरित होने से एक तो निकलता है प्रांकुर और एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको अपन कहते हैं मूलांकुर, है ना दोस्तों। प्रांकुर यानी कि सूट अपेक्स, मूलांकुर यानी कि रूट अपेक्स कह सकते हो, है ना। तो ये प्रांकुर और जो मूलांकुर है इसका निर्माण होता कहां से है? तो दोस्तों ध्यान रखना जो प्रांकुर जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको कहते हैं प्लूम्यूल, है ना। उस प्लूम्यूल से ही आपके आगे क्या निकलता है, जो प्रांकुर है ना, और इसी को आप कह सकते हो तना, है ना, तना या सूट जिसको कहते हैं, परोह, है ना। ये जो प्रांकुर है यही आगे जाकर के आपके क्या बनता है, परोह जो वो है बनता है, ठीक है दोस्तों। तो प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर, और प्रांकुर ही आगे तना या परोह जिसको अपने स्टेम कहते हैं उसमें बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों जो रेडिकल है यानी कि मूलांकुर, यानी कि रेडिकल यानी कि मूलांकुर, इस मूलांकुर से ही दोस्तों आगे आपके मूल जिसको अपन जड़ कहते हैं सिंपल भाषा में, यानी कि रूट, उसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये निकलती है मूलांकुर से, और ये स्ट्रक्चर निकलती है प्रांकुर। तो मूलांकुर आगे जाकर के क्या बनाएगी? मूलांकुर आगे जाकर के बनाएगी आपके मूल, और ये आपके आगे बनाएगा परोह या तना, या आप कह सकते हो तना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके द्विबीजपत्री के बारे में। अब इसी तरीके से अपन आगे बात करते हैं दोस्तों एकबीजपत्री। देखिए दोस्तों एकबीजपत्री का नाम पड़ा क्यों है? कारण कि इनके अंदर जो कॉटिलेडॉन्स है ना, जो कॉटिलेडॉन्स है वो कितने होते हैं दोस्तों? केवल एक ही होता है, दो अलग अलग नहीं होते। इस तरीके से जैसे इसमें हमने देखा था एक और दो, वो इनमें नहीं होते, राइट। तो इनके अंदर, इनके जैसे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल में दोस्तों, आपके गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ये जो पौधे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो सारे कहलाते हैं आपके एकबीजपत्री पौधे, है ना। और इनके बीजों को कहा जाता है दोस्तों एकबीजपत्री सीड या बीज कहते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर देखिए, इनमें देखिए ये जो मध्य का जो भाग है इसको कहते हैं दोस्तों आपके भ्रूण, और इसको कहते हैं आपके एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो दोस्तों जिसको अभी हमने देखा था, क्या देखा हमने, कि जो एक बीजपत्री बीजों में यानी कि मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म शेष रह जाता है। क्या रह जाता है? एंडोस्पर्म फाइनली रह जाता है, कारण कि बीजों को थोड़ी बहुत मात्रा में जो न्यूट्रिशन है, संग्रहित जो फूड है वो यहां रहता है। तो भ्रूणपोष को आप एक बार के लिए यूं समझ लीजिए संग्रहित भोजन, ये है कौन, तो मैं यहां लिख देता हूं संग्रहित भोजन के रूप में, ना संग्रहित भोजन कह सकते हो आप, है ना, स्टोर्ड फूड के रूप में ये पाया जाता है, राइट। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट है, हर एक इसका हर एक जो लेबल है, नामांकन है, वो सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लूम्यूल हमने अभी चर्चा की, यानी कि प्रांकुर कहते हैं, जिससे आगे क्या बनेगा दोस्तों, उससे आगे बनेगा आपके स्टेम। रेडिकल यानी कि आर, आर से अपन आगे याद कर सकते हैं रूट, यानी कि मूलांकुर से मूल। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज देखिए,
जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के ऊपर क्या विशेष जो क्षेत्र है जो आप देख सकते हैं ना कैप की तरह, ये तो इन कैप को कहते हैं दोस्तों कोलियोप्टाइल। और ये इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो प्लूम्यूल है ना, एक बीजपत्री पौधों का जो प्लूम्यूल है उसके ऊपर की भाग को, ऊपर की संरचना को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दोस्तों कोलियोप्टाइल। और ठीक इसी तरीके से जो रेडिकल के नीचे का जो पार्ट है ना, रेडिकल के नीचे का जो ये विशेष क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोलोराइजा, कोलियोराइजा। तो दोस्तों ध्यान रखना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, कोलियोराइजा और आपके कोलियोप्टाइल। क्लियर? देन अब और आगे बात करें तो इनके कोलियोप्टाइल के ऊपर का जो विशेष जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं स्कूटेलम। क्या कहते हैं दोस्तों? स्कूटेलम कहते हैं। ये विशेष प्रकार का क्षेत्र है जो कि प्लूम्यूल या कोलियोप्टाइल के ऊपर का भाग होता है। एंड देन बात करें एंडोस्पर्म, जिसको क्या कहते हैं? भ्रूण पोष, जो कि इसमें पाया जाता है। अब दोस्तों यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्या है, एंडोस्पर्म जो है उसके ऊपर विशेष प्रकार की लेयरिंग होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक लेयर है ना, एक परत पाई जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना इस परत को एल्यूरॉन परत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्यूरॉन परत या लेयर कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि एल्यूरॉन परत है क्या। तो दोस्तों एल्यूरॉन जो परत है एंडोस्पर्म का एक विशेष कोशिकाओं वाला क्षेत्र है जो एक लेयर के रूप में, आवरण के रूप में पाया जाता है, जिसको आपके एल्यूरॉन परत कहते हैं। एंड देन फाइनली सीड कोट यानी कि बीजावरण, बीजावरण है ना, और फ्रूट फॉल यानी कि फ्रूट वॉल यानी कि फल भित्ति, फल भित्ति, फल भित्ति, राइट दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपके एक बीजपत्री बीज की स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों एक बीजपत्री की स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एक बीजपत्री के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भ्रूणपोष है वो आपके मौजूद होता है, यानी कि एंडोस्पर्म, जो कि है क्या, एक प्रकार का संग्रहित भोजन। इसको आप क्या कह सकते हो दोस्तों? इसको आप कह सकते हो संग्रहित भोजन। कौन है दोस्तों ये आपके संग्रहित भोजन है, ठीक है। देन बीज जो है, पहले कभी क्या था? भ्रूण, और भ्रूण ही आगे जाकर के बीज यानी कि सीड में तब्दील हो जाता है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें मोनोकॉट के अंदर, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे सीधा सीधा यह भी पूछा जा सकता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों का, बीजों की जो स्ट्रक्चर है, केवल डायग्राम, तो आपसे केवल डायग्राम भी पूछा जा सकता है ना। तो एक बीजपत्री की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर जो है, प्रांकुर है ना, इस प्रांकुर से ही आगे तना यानी कि स्टेम का विकास होता है। रेडिकल यानी कि मूलांकुर, इससे आगे आपके रूट यानी कि जो मूल है ना, उस मूल का विकास होता है। रेडिकल के ऊपर का विशेष जो क्षेत्र है उसको कोलियोराइजा कहते हैं, जबकि प्लूम्यूल के ऊपर का क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। और ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन एंडोस्पर्म के चारों ओर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का परत या लेयर पाया जाता है, उस लेयर को कहा जाता है दोस्तों आपकी एल्यूरॉन परत। उससे पहले हमने बात की द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री जो है उसमें कोटिलेडॉन्स यानी कि बीज पत्रों की जो संख्या है वो आपके दो पाई जाती है, इसी के आधार पर इनको द्विबीजपत्री कहा गया है, यानी कि डाइकॉट कहते हैं, राइट। जिसमें ऊपर का, ऊपर वाला ये जो पार्ट है कोशिकाओं का जो क्षेत्र है उसको प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर कहते हैं, और इसी प्रांकुर से परोह या जो तना है उसका निर्माण होता है। ठीक इसी तरीके से रेडिकल यानी कि मूलांकुर, और मूलांकुर से आपके मूल रूट या जड़ का निर्माण किया जाता है। एंड देन आगे का जो छिद्र जो पार्ट है उसको बोलते हैं बीजद्वार, और इसको बोलते हैं आपके हाइलम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है हाइलम। देन इससे पहले हमने बात की थी कि बीज है ना, बीज जो है बीजांड से बनता है, बीज जो है ये बीजांड से बनता है जो कि निषेचन के बाद में बनता है ना। जिसमें बीजांड की स्ट्रक्चर हमने देखी कि बीजांड में विशेष प्रकार की कोशिका है अंड कोशिका, और इस अंड कोशिका में ही दोस्तों, इस अंड कोशिका में ही निषेचन के बाद है ना, निषेचन के बाद आपके भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनता है। एंड देन एम्ब्रियो ही आगे आपके
किसमें दोस्तों, सीड में बदल जाता है, राइट। एंड देन हमने देखा बीजों के प्रकार, जो कि एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर, अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि भ्रूणपोषी बीज, और यदि नहीं है तो अभ्रूणपोषी बीज या एल्यूमीन रहित बीज भी कहते हैं। इनके अंदर एग्जांपल होते हैं दोस्तों आपके द्विबीजपत्री, और इनके अंदर होते हैं आपके दोस्तों एकबीजपत्री, क्लियर। चलो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों आपको बताना है एक बीज पत्री बीजों के दो उदाहरण, राइट। एक बीज पत्री के दो उदाहरण बताने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो एल्यूरॉन परत किससे बनती है, है ना, किससे बनती है। थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात करें, मूल का निर्माण बीज के किस भाग से होता है, एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चंस की बात करें कोलोराइजा किस प्रकार के बीज में या बीजों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चार जो क्वेश्चन है उसका अपने को कमेंट्स बॉक्स में विद अपने रियल नेम के साथ में आपको कमेंट्स करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है, है ना। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में परिवारों में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।